हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G04 फ़ोन है, तो मोटो G04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह को आप कैसे देख सकते हैं मोटो फ़ोन में, और प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह आप कैसे देख पाएंगे मोटो G04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह को आप कैसे शो कर सकते हैं, फिर कैसे देख सकते हैं प्राइवेट फ़ोटोज़ को मोटो G04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह आप कैसे देख सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, जिसको आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको जाना होगा फाइल ऑप्शंस पेज। फाइल ऑप्शंस पे जाकर प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह को आप देख सकते हैं एंड आप शो भी कर सकते हैं अपने फाइल्स में। देख सकते हैं कि प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप हाइड करना चाहते हैं, फिर शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप देख पाएंगे। सिंपली यहां से आप फाइल्स पे जाते हैं, कोई भी प्राइवेट फ़ोटोज़ से आप उसको हाइड कर देंगे, जैसे कुछ इस तरीके से हाइड कर देंगे, छिपा देंगे। तो आप कैसे शो कर सकते हैं प्राइवेट फ़ोटोज़ को, तो आज हम बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि आप जैसे प्राइवेट फ़ोटो साइड कर दिए, तो शो करनी है तो आपको जाना है सेव फोल्डर पे। सेव फोल्डर पे जाते हैं तो आप पासवर्ड डाल देंगे तो प्राइवेट फ़ोटोज़ को देख पाएंगे, प्राइवेट एल्बम भी शो हो जाएंगी। किसी भी फ़ोटोज़ को इस तरीके से शो कर सकते हैं और किसी भी फ़ोटोज़ को आप डिलीट भी कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर पाएंगे, और किसी भी फ़ोटोज़ को मूव आउट करके स्क्रीन पर शो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह को शो कर सकते हैं एंड आप देख भी सकते हैं फाइल ऑप्शंस में, जिनको आप देख पाएंगे अपने फाइल्स में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।